हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे कान्हा जी का रुक्मणी जी के साथ विवाह महोत्सव। तो आप भी हमारे साथ इस विवाह महोत्सव में शामिल हो जाइए। तो ये देखिए, कान्हा जी का बारात आ रहा है और आगे आपको बहुत सारा भजन कीर्तन के साथ फुल कान्हा जी का रुक्मणी जी के साथ विवाह महोत्सव देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। और साथ ही अगर चैनल पर न्यू आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन भी प्रेस करना। तो आगे का ब्लॉग आप भजन कीर्तन के साथ कान्हा जी और रुक्मणी जी का विवाह महोत्सव एंजॉय करें। दुल्हा साहेब को मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदत्त जय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाचार्य सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वंगे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गजाननम बोधकनाथ सेवितम कवितजम बोधप्रजार वक्रम आसुरम सुकुमारस्यार्कम नमा विघ्नेश्वरपाद पंकजम नम दिव्य महादिव्य शिवाजयशेषम नमः नमः प्रत्यय नमः गायासुर गणेश नमः निर्विघ्नं कुरु मे। Let me start again.
उसको पल भर में बेटियां त्याग करके अपने ससुराल की ओर चल देती है, क्योंकि दोनों कुल को तारने के लिए बेटियां को जिम्मेवारी दी गई है। प्यारे, वो बाप बाप नहीं जिसका आंख में आंसू ना आए। प्यारे, हम तो सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि साल में कम से कम तो 12-13 को कन्यादान हम कर लेते हैं। भावे पितते देवा, मेरे पास कोई खेत जमीन नहीं है, मेरे पास कोई संपत्ति कोई नौकरी नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि मेरे पास कोई भी वस्तु की कमी नहीं है, क्योंकि हम साल में 12 गो कन्यादान जरूर करते हैं। आप लोग से मैं आग्रह करूंगा, आर्जू करूंगा, विनती करूंगा कि जिंदगी में अगर कोई कन्यादान नहीं किया होगा, मान लीजिए भाग्यवश आपकी बेटी नहीं हुई, तो आप किसी भी बेटी को कन्यादान जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कन्यादान सबसे उत्तम दान होता है। इसी कन्यादान में अभी कन्यादान जो हुआ, देखे एक मोटी मोटी मैया भावे पितते देवा रुक्मिणी मैया के शादी में कन्यादान में रुक्मिणी के खोचा फराई का रसम को पूरा करेंगे, क्योंकि बेटी अपने गोद में अपने आंचल में खोचा लेकर जाती है, अन्न धन लक्ष्मी देकर जाती है। जिस घर से बेटी बिना खोचा लिए जाती है, तो उस गांव का उस घर का सारा सुख चैन को लेकर चली जाती है। इसलिए हम सब हिंदू अपने बेटी को आंचल में खोइचा भरकर ही भेजते हैं, क्योंकि बेटी घर की लक्ष्मी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, शादी ख़त्म हो गई है, और ये जो विधि आप देख रहे हैं इसको हम लोग खोइचा भराई और चुमावन की विधि कहते हैं। तो जो खोइचा भराई का रस्म होता है, वो हम बेटियां जब भी अपने मायके से ससुराल या ससुराल से मायके जाती हैं, तो मम्मा हमें खोइचा भर के देती ही है, चाहे वो सासू मऊ हो चाहे वो मम्मा हो। और खोइचा में हम लोगों को चावल और दुबड़ी घास हल्दी और कुछ पैसे दिए जाते हैं, ताकि दोनों घर धन धान से भरा हुआ रहे। तो आई होप आपको मेरा ये कान्हा जी और रुक्मिणी जी का विवाह ब्लॉग पसंद आया होगा, ये भजन कीर्तन पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ जल्दी एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।